हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और यदि आप इस T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हो और इसके लिए आपके T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में कार्बिट लिंक एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में कार्बिट लिंक को कैसे रीइंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले कार सेटिंग में जाना है, देन सिस्टम सेटिंग, देन फैक्ट्री सेटिंग, अगेन फैक्ट्री सेटिंग, पासवर्ड 1617, वर्क ना करे 2014, कन्फर्म, और यहाँ पर फ़ोन कनेक्टेड के ऑप्शन को टिक कर देना है, देन सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका प्लेयर रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर प्लेयर रीस्टार्ट हो चुकी है, मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कार्बिट लिंक एप्लीकेशन आई या नहीं आई। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये कार्बिट लिंक आ चुकी है और मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अलाउ कर देना इसकी परमिशन और रजिस्ट्रेशन स्टेटस, प्लीज चेक द इंटरनेट ऑफ द कार डिस्प्ले। आपको इसमें इंटरनेट देना होगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और ये अभी अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, अभी भी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है, टूल बॉक्स और इजी कनेक्ट एक्टिवेशन, ये क्लोज्ड है, इसको क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी, देन आपका कार्बिट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप मिरर स्क्रीन कर सकते हो, अपनी फ़ोन की स्क्रीन को इसमें मिरर कर सकते हो। और इससे फ़ोन की स्क्रीन को कैसे मिरर करना है इसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो कैसे कार्बिट लिंक से फ़ोन की स्क्रीन को मिरर किया जा सकता है।